बाजार और जंग का पुराना नाता रहा है। इतिहास गवाह है कि जब जब दुनिया में कहीं जंग छिड़ी है, बाजार सहमे हैं। लेकिन जंग का हर बाजार पर असर अलग अलग होता है। इसराइल पर ईरान की 300 बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले के बाद दुनिया भर के शेयर बाजारों की जमीन भी थोड़ी जरूर हिली। सोमवार को भारत समेत करीब करीब सभी एशियाई बाजार बड़ी गिरावट के साथ कारोबार करते नजर आए। जापान, हांगकांग, ताइवान और कोरिया समेत ज्यादातर एशियाई बाजार औंधे मुंह गिर गए। भारतीय बाजार भी करीब 1% टूटे, लेकिन धीरे धीरे बाजारों में रिकवरी भी लौट आई। शायद बाजार ये बात मानकर चल रहा है कि इसराइल इस हमले की जवाबी कार्रवाई करने के मूड में अभी नहीं है, क्योंकि अमेरिका भी यही चाहता है। अमेरिका ने साफ किया है कि अगर इसराइल हमला करता है तो वो इसका हिस्सा नहीं बनेगा। दूसरी तरफ जंग के माहौल में सोने चांदी की चमक और बढ़ जाती है, कच्चे तेल की धार थोड़ी और मोटी हो जाती है, लेकिन सब कुछ वैसा हुआ नहीं जैसा एनालिस्ट मानकर चल रहे थे। शनिवार को हमले के बाद कच्चे तेल की कीमतों में तेजी की उम्मीद लगाई जा रही थी। बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड मामूली सी बढ़त लेकर $91 के ऊपर गया भी, लेकिन इस ऊंचाई पर ज्यादा देर तक टिका नहीं, ये फिसल कर $90 के नीचे आ गया। यही हाल WTI क्रूड का भी रहा। सोने की कीमतें चढ़ने की उम्मीद थी, लेकिन हमले के पहले जिस तेजी के साथ सोना महंगा हो रहा था वो तेजी हमले के बाद नहीं दिखी। कॉमेक्स पर सोना $2375 प्रति आउंस पर बिल्कुल सपाट कारोबार करता नजर आया। हालांकि चांदी करीब 1% के करीब जरूर मजबूत हुई और करीब $29 प्रति आउंस के आसपास रही। अब इसराइल और ईरान के बीच जंग का अगला मोड़ तय करेगा कि यहां से बाजार की स्थिरता और कमोडिटीज की कीमतें क्या दिशा लेंगी।